न्यूज एट 10 में टॉप 3 न्यूज में बात आज की तीन बड़ी खबरों की जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। पहली खबर आपको बताएं, अयोध्या पर सुप्रीम समात आज होने वाली है। सालिसी कमेटी आज रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली आईनी बेंच आज उस पर समात करेगी। गुज़िश्ता समात में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि सालिसी पैनल अपनी रिपोर्ट 18 जुलाई तक कोर्ट में पेश करे। इस रिपोर्ट से कोई हल नहीं निकलने की हालत में अदालत 25 जुलाई से रोजाना समात का हुक्म जारी कर सकती है। पिछले समातों में हिंदू फरीकेन ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या मामले की जल्द समात की मांग की थी। उनका यह कहना था कि सालिसी से हल निकलने तो भी उसे अदालत की मंजूरी तो लेनी ही होगी। दूसरी खबर आपको बताएं, रांची कोर्ट ने बदला है अपना फैसला और कुरान तकसीम की जो शर्त लगाई गई थी उसको हटा दिया गया है। रांची कोर्ट ने जमानत के लिए कुरान बांटने के फैसले को बदल दिया है। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज तबसरा करने पर ऋचा भारती को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रांची कोर्ट ने जमानत के लिए 5 कुरान बांटने का हुक्म दिया था। ऐसा नहीं करने पर जमानत रद्द हो सकती थी, लेकिन जस्टिस मनीष कुमार के इस फैसले के खिलाफ अब रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने उनके कोर्ट का बायकॉट करने का फैसला किया है। तीसरी खबर आपको बताएं, हनुमान चालीसा पाठ पड़ा भारी, घर मोहल्ला खाली करने की धमकी दी गई है। असल में 3 तलाक की अर्जी गुजार और बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर इशरत जहां को इज्तिमाई हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होने पर घर खाली करने की हिदायत के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मंगल को मगरबी बंगाल के हावड़ा के डबसन रोड के संकट मोचन हनुमान मंदिर में इशरत जहां मौजूद थी, इसके बाद से ही उन्हें मोहल्ला छोड़ने की धमकी मिल रही है। इशरत जहां के मकान मालिक मनाजिर हुसैन ने उन्हें घर खाली करने के लिए भी कहा है। इसके बाद इशरत जहां ने पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की है। तो ये तीनों खबरों के बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर इस वक्त यूपी के डीजी पुलिस ओपी सिंह का एक बड़ा सामने आया बयान। यूपी में मजहबी इस्तेहसाल के मामले में पर डीजीपी ओपी सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। ओपी सिंह ने कहा है कि ज़्यादातर झूठे होते हैं मजहबी इस्तेहसाल के मामले और गुज़िश्ता 2.5 साल में कोई फ़िरकावाराना फसादात नहीं होने दिया। ये कहना है ओपी सिंह जो कि डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। उनका ये कहना है कि जिस तरह से माहौल हो रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि एक फरीक को एक मजहब के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ उनसे मजहबी इस्तेहसाल उनका हो रहा है, तो इस तरह के जो मामले हैं वो ज़्यादातर झूठे हैं, हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह का। तो यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का ये बयान सामने आया है। यूपी में मजहबी इस्तेहसाल के मामले में डीजीपी ओपी सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें एक कॉमनल सिचुएशंस को विशिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप कुछ लोगों को आपको याद होगा कि अलीगढ़ में एक पर्टिकुलर समुदाय के व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि जब वो ट्रेन से जा रहा था तो उसकी टोपी हटा ली गई और उसको प्रताड़ित किया गया। बाद में हम लोगों ने इसकी पूरी छानबीन की, क्योंकि बरेली के मदरसे में वो पढ़ता था और इस प्रकार का कोई वाकया नहीं हुआ था। इसी प्रकार की घटना कानपुर में हुई थी और अभी हाल ही में इसी प्रकार की घटना उन्नाव में हुई, जिसमें यद्यपि उसने FIR ये दर्ज कराया कि उसे जय श्री राम बोलने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन फैक्ट्स कुछ और थे। तो मैं आप सबों से भी अपील करूंगा और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अफवाहों को हम ज़्यादा ध्यान न दें। और ज्यादा अपडेट के लिए राजीव श्रीवास्तव हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, डीजीपी की जो बात अगर सुनी जाए सुकून के साथ, तो ये लग रहा है ऐसे इतने हालात खराब नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए, पुलिस का अपना काम है और पुलिस ये दावा हमेशा से करती आई है, सरकारें कोई भी रही हो, कि कानून व्यवस्था ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन जो दो घटनाएं खासतौर से अगर बात करें तो एक घटना रंजिश की थी जिसमें पुलिस पहले भी कुछ कार्रवाई कर चुकी थी। तो जब वो कार्रवाई कर चुकी थी कहीं ना कहीं पुलिस की जानकारी में था कि ये यहाँ पर तनाव की स्थिति है, यहाँ पर एक विवाद है। तो ऐसे में पुलिस और जिला प्रशासन दोनों के इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि विषय गंभीर है और वहाँ पर एक एहतियातन जो जितनी सावधानी बरती जा सकती थी वो बरतनी चाहिए थी, शायद वो नहीं बरती गई, इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरा विषय अगर बात करें जो कैदियों को लेकर के गुजारी जा रही थी, जिसमें 3 लोग फरार हो गए, 3 कैदी,
वो अपने आप में एक दहशत फैलाने वाला तरीका है, क्योंकि पुलिस को भी मालूम है अभिरक्षा से कैदी जा रहे हैं, तो आपके जो इंतजाम है वो इतने नहीं है और आराम से अपराधी आते हैं और कहीं ना कहीं से वो कैदियों को फरार हो जाते हैं, उनकी पुलिस की राइफल ले जाते हैं, दो जो पुलिस कांस्टेबल है वो शहीद हो जाते हैं। तो जो पुलिस की जो अलर्टनेस होनी चाहिए या जो एक जो जो कहा जाता है कि प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं वो लेने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं चुपती हुई दिखाई दी फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो रही बात डीजीपी की, कि डीजीपी का जो बयान है वो तो साधारण तौर पे एक जो पुलिस का जो मुखिया है उसके बयान इस तरीके से आते हैं, लेकिन फिर भी अभी लगता है कि एक बार फिर से जो है पुलिस को अपनी कार्यशैली में अपनी जो बिल्कुल सुधार करने की जरूरत है। ठीक है राजीव श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के डीजीपी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अभी खबर आती है कि दो कांस्टेबल को मार दिया जाता है और तकरीबन उत्तर प्रदेश में 10 मर्डर होते हैं, उसके बाद डीजीपी को लगता है कि यहां पर सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ेंगे सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाजा, आज मामले की समाप्त होने वाली है, सालिसी पैनल को दी गई मियाद आज खत्म हो रही है और आज अयोध्या मामले में सालिसी पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगा। सालिसी पैनल की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट भी तबादला ख्याल करेगा और हिंदू फरीक अयोध्या मामले की जल्द समाप्त का मुतालबा लगातार करते आ रहे हैं, इससे पहले भी किया गया था, उसी के बाद आज ये जो रिपोर्ट है सालिसी कमेटी की वो सौंपी जा रही है और ये बताया जाएगा कि क्या इसमें तरक्की हुई है, क्या इसमें जो चर्चा की गई है और देखा जाएगा कि सालिसी जो एक नया फैक्टर ढूंढने की कोशिश की गई थी मामले को सुलझाने के लिए, क्या वो काम करती दिख रही है। अगर ये सालिसी की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है 25 तारीख से समाप्त शुरू हो सकती है और ये भी इसमें निकल कर आ रहा है कि रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के अहकाम और अपना आदेश जो है वो दे सकता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सालिसी की जो कमेटी है वो आज जो रिपोर्ट दाखिल करेगी उससे क्या निकल कर आता है। और आज होने वाली सुनवाई से पहले हिंदू फरीक के महंत धर्मदास का बड़ा बयान भी सामने आया है, अब इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और जल्द फैसला होना चाहिए, यह कहना है महंत धर्मदास का। सुलह समझौता कोई खराब चीज नहीं है ये भी कर रहे हैं, साथ ही साथ महंत धर्मदास इसको अमल आगे बढ़ाया जाए। महंत धर्मदास एक बार फिर से सुलह और समझौता को उसकी हिमायत में बोलते हुए नजर आते हैं। महंत धर्मदास जो कि हिंदू फरीक के एक पक्षकार हैं, उनका ये कहना है कि समझौता और सुलह से अगर बातचीत से मामला सुलझता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और बेहतर रहेगा, लेकिन अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का मौकिफ इस पर क्या रहेगा। अगर समझौता तो सबसे अच्छी चीज है, जो संदेश जाना चाहिए राम के प्रति, समाज के प्रति, आपस में भाईचारा के प्रति, वह संदेश तो इसमें जाना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए और जल्द से जल्द निर्णय भी हम लोग चाहते हैं पूरा देशवासी। उत्तर मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी का बड़ा बयान भी सामने आया है, फरीकेन ने सबूत पेश किए हैं और पैनल पर लोगों का यकीन था, ये कहना है इकबाल अंसारी और हमें भी यकीन है पैनल ने जो भी काम किया है ठीक किया है। इकबाल अंसारी कह रहे हैं चाहे कोर्ट से हो या पैनल के जरिए हो फैसला होना चाहिए। इकबाल अंसारी जो कि मुस्लिम पक्ष के हैं, इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद के मुद्दे हैं और इसके अलावा अब वो भी इसी बात को कहते आ रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कोर्ट के ऊपर पूरी तरह से यकीन और एहतराम करने की बात कही है, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमें वो मंजूर होगा। पक्षकारों ने सबूत पेश किए हैं, पैनल के ऊपर भी लोगों का भरोसा था, हमारा भी भरोसा है, हम ये चाहते हैं अगर पैनल जो भी काम किया वो ठीक किया है, ये फैसला होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट के जो है माध्यम से हो चाहे पैनल के माध्यम से हो, फैसला होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या तनाजा मामले में अहम सुनवाई होने वाली है, सालिसी पैनल को दी गई मियाद आज खत्म हो रही है, सुप्रीम कोर्ट सालिसी पैनल की रिपोर्ट पर आज तबादला ख्याल करेगा और आज का दिन बेहद अहम इसीलिए है क्योंकि अगर कोर्ट सालिसी की कार्रवाई को खत्म करने का फैसला सुनाता है तो 25 जुलाई से अयोध्या तनाजे पर समाप्त का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये सवाल यहाँ पैनल का है, अयोध्या में जो भी काम पैनल ने किया है ठीक किया है, काबिले एतबार है क्योंकि पैनल ने सबको बुलाया है, हिंदू पक्षकार को बुलाया, मुसलमान पक्षकार को बुलाया, सारे पक्षकार बुलाए गए,
पक्षकारों ने सबूत पेश किए हैं, पैनल के ऊपर भी लोगों का भरोसा था, हमारा भी भरोसा है। हम ये चाहते हैं अगर पैनल जो भी काम किया वो ठीक किया है। ये हिंदुस्तान का एक बहुत अहम फैसला है जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का है। ये फैसला होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट के जो है माध्यम से हो, चाहे पैनल के माध्यम से हो, फैसला होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित कुमार, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, 2011 से यही चला रहा है और 2019 हो गया, लेकिन अगर आज सालिसी या मध्यस्थता कमेटी जो है अगर वो अपनी रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाती है तो पूरी तरह से रास्ता साफ हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज की जो सुनवाई है वो सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि मध्यस्थता पैनल की जो रिपोर्ट है उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। सबसे अहम बात है कि मध्यस्थता पैनल जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज देगी, उस रिपोर्ट पर देखने के बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है, यह देखना बेहद अहम होगा। और सबसे अहम बात यह है कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। अगर मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि अब तक जो है मीडिएशन से जो है यानी मध्यस्थता से कोई बात नहीं बनी है और मध्यस्थता आगे करने की जरूरत नहीं है, तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज मध्यस्थता को जो है रोकने का आदेश दे सकता है और रोजाना सुनवाई की जो है शुरुआत 25 जुलाई से करने का भी आदेश जारी कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई में एक हिंदू पक्षकार की ओर से अर्जी लगाई गई थी जिसमें जल्द सुनवाई की मांग की गई थी और आरोप लगाया गया था कि पहले दौर की जो मध्यस्थता हुई है उसमें कुछ सफलता हासिल नहीं हुई और उसी के बाद दूसरी दौर की जो मध्यस्थता हुई है उसमें भी खास तौर पर कोई बात जो है वो नहीं बन रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता रोक देना चाहिए और मुख्य मामले की जल्द सुनवाई की जानी चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से जो है एक हफ्ते में यानी कि 18 जुलाई को जो है स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था और आज स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट मुमकिन है कि ये फैसला ले सकता है कि इस मामले में जल्द सुनवाई होगी या नहीं। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा। आज जो सालिसी कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, एक हफ्ते का वक्त दिया गया था। अब अगर मुतमईन हो जाती है तो शायद सालिसी पैनल की जो कमेटी है वो बनी रहेगी, अन्यथा इसको हटा दिया जाएगा और 25 तारीख से रोजाना सुनवाई पर अब फैसला जो है आने वाला होगा।